नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम केतु जो अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश हुआ है, मीन राशि के ऊपर इसके ऊपर कैलकुलेशन लेके आए हैं। तो मीन राशि का भी काफ़ी वेटिंग चल रहा था, तो हमारा भी अनुराधा नक्षत्र में विश्लेषण दीजिए। तो केतु का प्रभाव मीन राशि के ऊपर कैसे पड़ने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मीन राशि गुरु प्रधान राशि है। केतु आपका योग कारक प्लैनेट भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो गुरु के अधीन रहता है, इसलिए केतु जैसे जैसे ट्रांजिट करेगा आपको वैसा ही फल मिलेगा और गुरु के साथ इसका संबंध अच्छा माना जाता है। और मीन राशि में तो वैसे भी केतु का ही प्रभाव माना जाता है। और मीन राशि में इस समय केतु जो आपके चल रहा है वो आपके 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। 9th हाउस में केतु का प्रभाव बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में उच्चका चल रहा है 9th हाउस में। अनुराधा नक्षत्र में इसका प्रवेश हो चुका है और अनुराधा नक्षत्र अपने आप में बहुत सुंदर नक्षत्र माना जाता है, जिसका स्वामी ग्रह शनि होता है। और 8/2/2022 तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में ये प्रवेश कर चुका है और तीसरे, दूसरे, एक, इस तरह से ये चलेगा। क्योंकि अनुराधा नक्षत्र जो होता है नेम फेम पर्सनल फेम का होता है, नॉलेज का होता है, इंट्यूशन पावर का होता है। और 9th हाउस भी लंबी यात्रा का भी होता है। यहाँ पर आपको इंट्यूशन पावर में भी वृद्धि हो। धर्म के मामले में केतु का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। 9वां भाव लंबी यात्राओं का भी माना जाता है। केतु इस भाव में बैठा हुआ है अनुराधा नक्षत्र। और शनि कहाँ बैठा हुआ है? क्योंकि शनि के नक्षत्र में प्रवेश हुआ है, शनि लाभाव में। तो संगम अच्छा बना हुआ है आपका 9th का और आपका 11th का, यहाँ पर कॉम्बिनेशन यहाँ पर केतु बना रहा है। बहुत अच्छा योग बना हुआ है। तो ज्योतिष के माध्यम से केतु की जो प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है, देखिए, केतु की 5वीं दृष्टि जो आपकी जाएगी वो आपकी अपने ही हाउस पर जा रही है, मीन राशि पर। ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जब 1st हाउस पर केतु की दृष्टि जाती है और गुरु की राशि हो तो केतु धार्मिक चीज़ों में प्रवृत्ति कर देता है। लंबी दूरी की यात्रा आपको कराएगा इस समय केतु, और किसी धर्म की यात्रा में आप जा सकते हैं। पहाड़ों की यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। आप जैसे किसी धार्मिक स्थान पर जाकर मत्था टेक सकते हैं, आपको केतु यहाँ पर यात्रा दे रहा है। भाग्य में वृद्धि कर रहा है, पिता के साथ संबंध अच्छा बना रहा है। केतु अनुराधा नक्षत्र में आपको इनकम में भी जनरेशन पैदा कर रहा है, क्योंकि शनि आपका ऑलरेडी लाभ भाव में वक्री चल रहा है। तो धन की प्राप्ति के योग केतु यहाँ पर बना रहा है। कई बार केतु क्या है, अनएक्सपेक्टेड गेन दे देता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस भी राहु केतु दे देते हैं। शेडो प्लैनेट माने जाते हैं, लेकिन केतु का लिंक स्पिरिचुअलिटी के साथ गिना जाता है। केतु एक सन्यासी ग्रह है और योग क्रिया करने में केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। मेडिटेशन में केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई धार्मिक प्रवृत्ति में केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। केतु को यात्रा करने का बहुत मज़ा आता है। तो केतु की ये एक कुछ स्पेशलिटी आपको बता रहे हैं। साथ साथ केतु जो है आपके 3रे भाव को देख रहा है। 3rd हाउस में जब केतु की दृष्टि जा रही है तो मित्रों से थोड़ा सा आइसोलेट कर देता है, यानी कि मित्रों के साथ आपका जो मन है वो बात करने को नहीं करेगा। और केतु की दृष्टि जो 3रे भाव में जा रही है तो आप अपने आप को रिजर्व ले, यानी कि उससे नफरत कर रहे हो, यानी कि रिजर्व नेचर लेके चल रहे हो। आपको कम्युनिकेशंस करना इस समय पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि केतु की दृष्टि 3रे भाव में है। कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड आप कर रहे हो। जैसे आप कार्य क्षेत्र में हो तो बहुत लिमिटेड बात करके आप मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हो या बंद कर देते हो। ज़्यादा लंबी बात करना आपको इस समय पसंद नहीं आएगा। काम में प्रति आपका केतु ध्यान लगा रहा है। और 3rd हाउस में केतु की दृष्टि होने से आपको जैसे थोड़ा सा, जिसको कहते हैं, पराक्रम में थोड़ी सी कमी भी ला रहा है, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। हालांकि राहु पराक्रम में वृद्धि कर रहा है, लेकिन केतु की दृष्टि होने से आप थोड़ा सा चीज़ों में डर भी रहे हैं डिसीज़न लेने में। तो ये केतु का प्रभाव दिखा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मित्रों, जो कोई ख़ास मित्र है, जैसे जिसको कहते हैं कि हमारा लंगोटिया यार होता है, वो केतु की दृष्टि जब 3रे भाव में पड़ती है तो वो आपको यहाँ पर एक अच्छे से सुजेशन भी देने वाला है। आपके कैरियर के प्रति हो सकते हैं, या पर्सनल लाइफ के प्रति हो सकते हैं, या कोई आपका क्लोज़ भाई बहन है वो भी आपको यहाँ पर केतु सुजेशन देने वाला है। या कोई आप किसी गुरु के साथ संपर्क करके चल रहे हैं, गुरु से दीक्षा ली हुई है, आपने नाम कर्म किया हुआ है, तो गुरु की दीक्षा यहाँ पर आपके काम यहाँ पर केतु करा रहा है। तो ये ग्रह की स्पेशलिटी है। अच्छा, उसके बाद केतु की अगर दृष्टि की बात करें तो आपके 5म भाव भी जा रही है। देखिए, वहाँ पर कर्क राशि है। बच्चों के स्टडी के प्रति आपको बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर लग रहा है। कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपनी अकोल्ड स्टडीज़ में आपको केतु रिसर्च के वर्क में फ़ायदा दे सकता है। अकोल्ड स्टडीज़ में केतु का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। पंचम भाव में दृष्टि होने से आपके जो माइंड में चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी अकोल्ड स्टडीज़ के प्रति बड़ी अच्छी निकल के आएंगी, क्योंकि यहाँ पर केतु धार्मिक प्रवृत्ति आपके बढ़ा रहा है। धर्म की चीज़ों में प्रवृत्ति बढ़ने से अकोल्ड स्टडीज़ में भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। आप जैसे प्रे करते हैं भगवान की तो आप गणपति बाबा की साथ में ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। ये केतु यहाँ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन पंचम भाव में एक नुकसान भी है, क्योंकि वो है चंद्रमा प्रधान राशि। ये पेट को भी यहाँ पर कई बार ख़राब कर देता है। पेट से रिलेटेड चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कई बार आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो गैस्ट्रिक ट्रबल आपको साथ में दे देता है केतु, क्योंकि पंचम भाव यानी कि चंद्रमा को दूषित कर रहा है। और रात को नींद कम आनी, जैसे यहाँ रात को मिडनाइट में नींद खुल जानी अचानक से, ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। या सुबह 3 बजे आपकी आँख खुल जानी, क्योंकि जो सुबह की आँख खुलती है 3 बजे की, वो मेडिटेशन का केतु आपको इंडिकेट कर रहा है तो उठकर आप मेडिटेशन करो। क्योंकि हमारा दिनचर्या इतनी थकावट वाला होता है तो हम लोग सुबह उठने की आदत ही नहीं होती है। तो ये ग्रह जो हैं आपको प्रेशराइज़ करते हैं, उठो, मेडिटेशन करो, भगवान की आराधना करो ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये सब चीज़ें केतु को आपको दे रहा है। जैसे आपके पंचम भाव में है, योगा की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत कर रहा है कि योग करोगे तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखोगे। क्योंकि केतु जो चीज़ें हैं वो बड़ी इसकी जो सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं केतु की, उसके साथ ये जुड़ा होता है ग्रह। अब देखिए केतु जो है वो आपका 8 फरवरी 2022 तक इसका जो रहेगा ये अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र शनि का है। शनि की चीज़ों में आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शनि आपका लाभ भाव में चल रहा है। शनि आपका 12वें भाव का भी लॉर्ड है। विदेश के साथ यहाँ पर केतु संपर्क कर, अगर आप किसी विदेश के साथ कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या कोई कंसल्टेंसी का भी काम कर रहे हैं या आपको इनकम आ रही है कंसल्टेंसी के द्वारा, तो केतु यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। 9वें भाव में केतु विदेश से इनकम बहुत अच्छी देता है। और क्योंकि वो 11 नंबर यहाँ की राशि है, वो शनि की प्रधान राशि है, गुरु वहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये सब इंडिकेट सिम्टम्स कर रहा है इस समय। और एक अच्छा प्लेनेट है केतु, और केतु के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या होता है, गणेश जी की आराधना। अगर आप देखेंगे तो जो लोग भी गणेश जी की आराधना करते हैं, गणपति बाबा मौर्य का आराधना करते हैं, तो उनके जीवन में संकट जो है आते भी हैं तो टल भी जाते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि केतु उसको टाल देता है। तो केतु एक अच्छा ग्रह है, शैडो होते हुए भी ये आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देता है। तो ये जो नवग्रह का सिलसिला हमारा भगवान ने बनाया हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमें जीवन में बहुत लर्न भी कराते हैं ये ग्रह। और ये इसकी कनेक्टिविटी एक दूसरे ग्रह के साथ हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये शनि के दोनों दूत माने जाते हैं। तो केतु और राहु तो शनि को ये मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, तो शनि प्रधान ये ग्रह माने जाते हैं। और इनका अस्तित्व ब्रह्मांड में ना होने की वजह से इसलिए इनको शैडो प्लैनेट बोला जाता है। लेकिन ये छाया प्रति ग्रह होते हैं। ये इनका जो जब ये काम करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट जीवन में प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप ये बुरे रिज़ल्ट देने में आ जाएँ तो कहते हैं कि इंसान के बहुत ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो जाते हैं। तो ये केतु और राहु को कहते हैं, अगर आप कंट्रोल रखोगे तो नवग्रह में जो बाकी प्लेनेट है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। शनि भी कंट्रोल हो जाता है, तो शनि के अधीन ही ये ग्रह चलते हैं। तो इसलिए केतु का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत बड़ा है। केतु को हम इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ शनि और गुरु ये बड़े प्लेनेट की तरफ ही देखते रहते हैं, लेकिन केतु पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो केतु का रोल हमारे जीवन में बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आप आध्यात्मिक खोजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, भगवान के साथ जुड़िए और यात्रा धार्मिक कीजिए, ताकि आपको इसका फल मिले। किसी का बुरा सोचना भी कहते हैं पाप होता है, ये भी केतु के द्वारा इंडिकेट करता है। तो सोचना भी नहीं है किसी के बारे में बुरा, उसका रिज़ल्ट आपको इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी यूट्यूब के माध्यम से बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।